डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। मुझे कुछ बनना था। करीना कपूर ने शेयर किया कौन सा वीडियो, शूट के दौरान किसके लिए खरीद रहे थे आमिर खान साड़ी। Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. इस साल की most awaited फिल्मों में से एक फिल्म है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। इसलिए भी क्योंकि आमिर खान बहुत लंबे वक्त के बाद वापसी कर रहे हैं बड़े पर्दे पे लाल सिंह चड्ढा से। वैसे तो इस फिल्म के शूटिंग को खत्म हुए काफी समय बीत चुका है, पर लगता है करीना कपूर खान को शूटिंग डेज याद आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की है जिसे लाल सिंह चड्ढा के शूटिंग डेज का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आपको आमिर खान और करीना कपूर खान मध्य प्रदेश के एक लोकल मार्केट में दिखाई देंगे, जहां पे करीना कपूर मध्य प्रदेश के उस लोकल मार्केट में कई दुकानों के चक्कर लगाते हुए नजर आएंगी अपने शॉपिंग के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है, करीना कपूर खान के लिए आमिर खान खुद ही साड़ी चूज कर रहे हैं, और वीडियो में आप सुन सकते हैं आमिर को ये कहते हुए कि मैं करीना को ये साड़ी गिफ्ट करना चाहूंगा। वहीं यहाँ हंसने की बात एक ये है कि आमिर खान को लगा उस साड़ी की प्राइस 25,000 है, पर जब दुकानदार से उन्होंने पूछा तो दुकानदार ने बताया 6,500 की ये साड़ी है। और फिर इस बात के लिए करीना कपूर आज तक आमिर खान की खिंचाई करती है। करीना कपूर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था स्वीट मेमोरीज। वहीं इस फिल्म में आमिर खान के साथ आपको मोना सिंह और करीना कपूर भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ये तीसरी बार होगा जब आमिर खान और करीना कपूर खान एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इससे पहले उन दोनों ने थ्री इडियट्स और तलाश मूवी में एक साथ काम किया था। वहीं इस फिल्म से साउथ के स्टार नागा चैतन्य बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। और फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। अगर मेकर्स इस डेट को चेंज नहीं करते हैं तो आपको 14 अप्रैल को ये फिल्म थिएटर में देखने को मिलेगी। तो आप लोग कमेंट कर हमें जरूर बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बॉलीग्रैड स्टूडियो से, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।